अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? कैसे हैं? मौसम खूब इंजॉय हो रहा है? कोई गल नहीं जनाब, असं भी थोड़े नाल वापस आ रहे हैं, मिलके इंजॉय करेंगे गर्मी को। मैंने कहा जाते जाते चलें जी एक लास्ट उसका ले लेते हैं व्यू, क्योंकि फिर हमारे पास सिर्फ वीडियोज़ रह जाएंगी, फिर हम पूरा साल, कभी कभार होता है कि साल में दो दफ़ा चक्कर लगे, वरना मोस्टली साल बाद ही प्लान बनता है। जब से जहान है तब तो बिल्कुल ही। आज है जी हमारे पास लास्ट डे, और इसमें है बच्चों को कि जी हमने माल रोड पे जाना है, और बस तो फिर माल रोड की तैयारी है। तो मैं नहीं कहूँगी आपकी मोटी बाजी हाजिर है, हम तो जिस खुद समझदार हो। तो चलें जी, चलते हैं माल रोड की तरफ। डे टाइमिंग में ही सारे बच्चों ने शोर मचाया हुआ था जी, चलें जी चलें, देर नहीं करनी, चले लेकर। तो हमने भी कहा चलें जी, बच्चे अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेंगे, हम तो खा पी लेंगे, हमारा और क्या काम है, हमारी जे तो अंदाज़ा है, सानू तो इको ही काम है जनाब, बस जिते खाना पीना तो बस उत्थे असी। तो हम लोग जा रहे हैं जनाब माल रोड। जैन साहब रेडी शेडी हैं? रेडी तो खैर अभी इतना नहीं था, सो के उठा था। तो ये फिर हमने थोड़ी देर पहले स्टे किया अयूबिया में, तो यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। ठीक है जी, थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया अपना, घूमा, ये थोड़ी सी उन्होंने हाइकिंग की यहाँ पे। हमने कहा चलो जी आ जाओ वापस उन, और जैसे ही हम मरी की तरफ इंटर हुए, कड़कती धूप ने हमारा इस्तकबाल किया, जिस तरह के हमेशा होता है वेदर मरी का, मोस्टली गर्मी होती है। और ये थे माल रोड के हालात। आपको पता है डे टाइमिंग में माल रोड पे कुछ ऐसा अच्छा ख़ास नहीं होता, गर्मी नॉर्मल सा मौसम था और कोई ख़ास रश नहीं था। तो हमने जयान साहब को बिठाया कि चलो जी तुहानू ही शॉपिंग कराइए। तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है जी। तो फिर हम भी पहुँच गए जी, बाकियों के साथ पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। हम भी कहीं तो जाएंगे, जहाँ हम कोई बाकी रुकेंगे वहीं हम भी रुक जाएंगे। ये ले जी, हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने ये पकड़ लिया। ये हसारों में से हमें ये चीज़ पसंद आई है जी सबसे पहले। ये लें जी, ये आप लोगों के लिए स्टॉल लगा दिए हैं आपकी बाजी ने, दारुल लिबास की तरफ से हैं और आप लोगों के लिए फ्री हैं। बस आप लोगों ने जाके मेरा नाम लेना, आप लोगों को हर चीज़ फ्री मिलेगी यहाँ से, बस आपने डिलीवरी चार्जेस देने हैं। ये बल्कि ऐसे करो, आप जाओ जाके रिसीव कर लो वहाँ से, बस आप लोगों ने खुद जाके रिसीव करने हैं, डिलीवरी भी रहने दो। फिर तुझे कहोगे सब सीओडी चार्जेस लग गए हैं, तो ऐसे करें फ्री भी ले लें, ठीक है ना। अच्छा, ये एक डॉलर शॉप थी बच्चों के लिए, ठीक थी चीज़ें। हमने कहा चलो जी तुहानू भी थोड़ा जा व्यू दिखा दिए। इधर मेरा ख्याल है सब कुछ ही था थोड़ा सा, हम तो सिर्फ वीडियो बनाने वाले में से हैं, लेने वालों में से नहीं हैं हम अभी फ़िलहाल, जब तक ज़ियान छोटा है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे तो बस रोने की आवाज़ें आती थी, मम्मा ये और मम्मा वो। और हमारा तो काका सो गया था जब तक हम खाने वाली जगह पे पहुँचे। तो ये माल रोड के हालात थे, डे टाइमिंग था, कुछ ख़ास रश नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने का खाना शाना खाया और चले गए। फिर हम आए जी रात में वापस, कि क्योंकि रात में आपको पता है कि माल रोड में ज़रा ठीक होता है, वेदर भी अच्छा हो गया था, रात को ठंड हो गई थी अच्छी खासी, और रश भी ऑब्वियसली होता ही है। तो अगेन हम लोग फिर आए तो खाने पीने ही हैं, और बच्चों ने जी अपना घूमना फिरना है, खाना पीना है। तो हम लोग अगेन आ गए, मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को माल रोड विज़िट कराएं। माल रोड पे कुछ ख़ास है नहीं, बस छोटी छोटी शॉप्स हैं और स्टॉल टाइप हैं, खाना पीना है, और उन पे वो ऐसी चीज़ें हैं कि बस उनका चार्म ही है डिफरेंट, वो बस इकट्ठे कर लो, ऐसा लगता है फ्री मिल रही हैं सारी चीज़ें, बस लेते जाओ लेते जाओ। करना क्या उनका हमने पता नहीं क्या करना है, मुझे विकास बार बार पूछ रहे तुमने करना क्या इन चीज़ों का, कुछ तो करूँगी सब्र कर जाओ, कुछ तो करूँगी। तो वो सारे बच्चों वाला, बच्चों के भी यही हालात है, बस जल्दी से शॉपर भरते जाओ भरते जाओ। तो बस ऐसे ही है, ठीक है, ये अच्छा दिन गुजर जाता है एक दिन के लिए। हमें तो ऐसे लगता है पुरसकून अगर गुजारना है तो नथिया गली वाली साइड हमें ज़्यादा सूट करती है, इधर हम लोग एक दिन के लिए जो है वो आ जाते होते हैं। तो ये जी हमारा लास्ट डे था, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं।
यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़ किस्म की बारिश स्टार्ट हुई है। ये तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम है और हम तकरीबन एक घंटा ये तकरीबन बारिश रही है। और देख लें बिल्कुल सारे इधर उधर गुम हो गए, सारे के सारे हमारी तरह सारे शॉल में इधर उधर लग के खड़े थे। बारिश रुकने का इंतज़ार किया जा रहा है और फिर हम तकरीबन 2 बजे तक वापस आ गए थे अपने रूम्स में, क्योंकि हमने सुबह वापस रहीम खान के लिए निकलना था। और ये लीजिए हमारी सुबह हो गई है, जान साहब ने अपनी सीट संभाल ली है कि जल्दी बैठो वापस जाना है, जाके काम संभालना है आपने। जो बाजियों की बड़ी कंप्लेने आ रही हैं वो सब्र नहीं कर रही, जल्दी कर ले मम्मा। तो फिर हम जल्दी जल्दी अपनी बैठ गए हैं, जी हम आ रहे हैं, हौसला करो बाजियो, हम आके आपकी कंप्लेन सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मंडे से हम वापस काम पे स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह और संडे शॉप ओपन होगी, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।